जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी कम हो गई हैं, लोगों का आना जाना काफी सीमित हो गया है। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेके हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस से कई शहरों और कई प्रदेशों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर खबर 7C हर राज्यों में जाके पड़ताल भी कर रही है कि लॉकडाउन का असर कितना दिख रहा है। आइए दिखाते हैं खबर 7C पे यह कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज़ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज वाराणसी ज़िले के इस समय बॉर्डर पर स्थित हूं, जो कि जौनपुर वाराणसी का बॉर्डर है, बाबतपुर जमालापुर मार्ग। और यहां पे आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यातायात की जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, लोगों का आना जाना काफ़ी सीमित हो गया है। एकाध दो गाड़ियाँ कभी कभार यहाँ पर आ रही हैं। तो आइए, हमारे साथ में प्रशासनिक अधिकारी वाराणसी से चल के आए हुए हैं CO साहब अनिल राय जी, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो आपकी सर गवर्नमेंट से बहुत सारी सिस्टम व्यवस्थाएं बन के आ रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या चल रही हैं इस समय कोरोना वायरस को देखते हुए? कोरोना वायरस को देखते हुए टोटल लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है जी। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें जी। अनावश्यक किसी को घूमने की ज़रूरत नहीं है जी। फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए टाइम हम लोग के निर्धारित हैं। उस समय पर लोग गांव-गांव पहुंच के, घर-घर पहुंच करके अपने राशन को, दूध को, सब्जी को, फल को वितरित कर रहे हैं। खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कुछ योजनाएं हैं। जिनके पास खरीदने का पैसा नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था हो रही है। ये हम लोग के थाना प्रभारियों के नंबर पर, हम लोग के नंबर पर सूचित करें, उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी जी। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो मुसहर समाज को देखते हुए आ रहे हैं कि उनके यहाँ राशन की जो सुविधा वो नहीं पहुँच पा रहे, उसके लेके प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं सर? नहीं, हमारे DM साहब ने पर्याप्त मात्रा में ट्रकों का ट्रक राशन भिजवा दिया। अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी, हर जगह बढ़ रहा है। हाँ, पर्याप्त मात्रा में राशन बढ़ रहा है। हमारे जिलाधिकारी वाराणसी, SSP वाराणसी महोदय द्वारा खुद संज्ञान लेकर के इन सब चीज़ों को देखते हुए हर जगह लेखपाल कानून को, हमारे पुलिस के चौकी इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर साहबान, CO, एडिशनल SP, सारे लोग जाकर के इन चीज़ों को देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर का कहना है कि वाराणसी ज़िले में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह जो है राशन और पानी की सुविधा लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो इस तरह का जो एक सोच है इस महामारी से निपटने के लिए लोग लगे हुए हैं। ऐसे ही लगातार खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर 7C न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।